नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। आपको बता दें, केंद्र की सत्ताधारी भाजपा ने बीते रात करीब सुबह 4 बजे तक उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया। माना जा रहा है कि पार्टी ने इस दौरान करीब 100 लोगों के नाम को फाइनल कर दिया है। माना यह भी जा रहा है कि भाजपा के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 1-2 दिनों में जारी हो सकती है। सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक देखा जाए तो भाजपा पश्चिम बंगाल में आसनसोल संसदीय सीट पर भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह को उतार सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इस सीट पर 2 बिहारियों के बीच जंग होनी तय मानी जा रही है। वहीं फिलहाल तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के सिने अभिनेता रहे शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं। वहीं 2019 के चुनाव में यहां से बाबुल सुप्रियो की भाजपा कैंडिडेट के रूप में उनकी जीत हुई थी। बाद में उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी और 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी के उम्मीदवारों के तौर पर चुनाव लड़ा था। वहीं आपको बता दें, और जीत कर ममता सरकार के मंत्री भी बने और 2022 के आसनसोल लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में टीएमसी ने शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाया, जहां से जीत कर वह फिर से संसद पहुंचने में कामयाब रहे। उन्होंने जब तक बीजेपी के अग्निमित्र पॉल की करीब 3 लाख वोटों के मार्जिन से उनको हराया था। अब उनके खिलाफ भाजपा भोजपुरी स्टार को उतारने की तैयारी में नजर आ रही है। आपको बताएं, पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर पवन सिंह को बधाई भी दी जा रही है। पवन सिंह का जन्म आपको बताएं भोजपुर जिले में जोखरी में हुआ था। उन्होंने देवरा बड़ा सतावेला और भोजपुरिया राजा जैसी प्रमुख भोजपुरी मूवियों में उन्होंने अभिनय प्रदर्शन किया। ऐसे में वह भोजपुरी के कई म्यूजिक एल्बम में भी काम कर चुके हैं। जनता के बीच उनकी खासी लोकप्रियता है। आसनसोल से अच्छी संख्या में बिहारी मतदाता भी है। ऐसे में आपको बता दें, चर्चा है कि पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी से और गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से और राजनाथ सिंह लखनऊ से उम्मीदवार होंगे। इनके अलावा कई हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल किए जा चुके हैं। लेकिन ऐसे में पवन सिंह का वहां से नाम आना और शत्रुघ्न सिन्हा वो भी बिहार से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे में 2 भोजपुरी स्टार अगर आमने सामने आएंगे तो क्या होगा? क्या जनता किसको सपोर्ट करते हुए नजर आएगी? ये बड़ी बात होगी देखने वाली कि पवन सिंह जिस तरीके से बॉलीवुड में एक्टिव रहते हैं और भोजपुरी सिनेमा में एक्टिव रहते हैं, ऐसे में देखना होगा कि क्या वो राजनीति में कुछ कमाल कर दिखा पाएंगे या नहीं। फिलहाल आपकी इस क्या प्रतिक्रिया बनती है कि आने वाले समय में पवन सिंह कुछ अच्छा करते हुए नजर आएंगे या फिर वो केवल फिल्मों में अच्छा कर सकते हैं? आपकी इस पे जो राय होगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।